हरे कृष्णा, राधे राधे। माधव कृष्ण में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको ठाकुर जी के कंगन बनाना, घर पर ही कैसे घर पे कंगन बनाए जाते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये देखिए, जैसे कि हमारे पास ये कंगन है, इस तरीके के कंगन मैं आपको बनाना बताऊंगी। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे कंगन है। ये देखिए, इस तरीके के कंगन आपको मैं बनाना बताऊंगी। जैसे कि ये इस तरीके, ये चेन है, इसमें बॉल चेन और स्टोन चेन दोनों चीजों से मैंने इसको बनाया। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से बनाया। इस तरीके का कंगन कैसे बनाए जाते हैं, आइए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने ये आपको कंगन दिखाई है, मेरे पास ये एक पेयर मैंने बनाया हुआ है। आप इसको किसी भी साइज के ठाकुर जी के बना सकते हैं, बहुत ही इजी है बनाना। तो ये देखिए, छोटा बड़ा साइज आप अपने ठाकुर जी के अकॉर्डिंग करना। से मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगी, ये हमने कंगन किस तरीके से बनाए घर पर ही। तो आइए हम कंगन बनाना शुरू करते हैं। कंगन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया ही है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने कुछ इस तरीके की, देखिए इस तरीके की बॉल चेन और स्टोन चेन। आप ये स्टोन चेन और बॉल चेन मैं आपको ज्यादा वाली दिखाती हूँ, मैंने किस तरीके से कट किया है। तो ये देखिए, ये होती है स्टोन चेन। तो स्टोन चेन इस तरीके से आप किसी भी कलर में ले सकते हैं, इसको किसी भी कलर की बना सकते हैं। जैसे ये हमने व्हाइट दिया, आपको दिखाई ये व्हाइट स्टोन चेन है, और ये देखिए ब्लू कलर की है। ये रेड शेड में भी आती है, ग्रीन में भी, सभी कलर में आती है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से बॉल चेन आती है। तो हमने इसको कट कर लिया है, ये हमने पीसेस बना लिए ठाकुर जी के अकॉर्डिंग। और ये होती है बॉल चेन, ये बॉल चेन का साइज भी छोटा बड़ा होता है। तो इस तरीके की मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके मटेरियल से हम आज ठाकुर जी के कंगन बनाने जा रहे हैं, जो कि मैंने इसको कट कर लिया है। तो कट हमने कर लिया, ये अपने ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, जो भी ठाकुर जी का साइज है, तो ठाकुर जी के साइज के अकॉर्डिंग हमने इस चीज को कट कर लिए। तो ये छोटे बड़े जैसे मैंने शुरू में बताया, आपको किसी भी साइज में बना सकते हैं। आपको मैं पैटर्न बता रही हूँ, तो ये चीज हमने कट कर ली। आइए हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। और ये है इसमें चिपकाने का क्विक फिक्स, इस तरीके से हम इसको चिपकाएंगे। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये आपको दिखाई दे रहा है मेरे कैमरे में, इस तरीके से मैंने सबसे पहले व्हाइट वाली चेन लगाई है, बॉल यहाँ पे स्टोन चेन, फिर मैंने बॉल चेन लगाई है, और अब मैं साइड में इसमें ब्लू कलर की बॉल वो लगानी है चेन। तो ये पहले यहाँ पर इस तरीके से गम लगा देंगे, यहाँ पर दोनों साइड लगाने के बाद, क्योंकि इससे इससे क्या है कि अच्छे से चिपक जाता है। तो इससे अच्छे से चिपकेगा तभी आप ये सफल है बनाने के लिए, नहीं तो ये छूट ना जाए। तो इस तरीके से हम बॉल चेन फिर रखेंगे, और किसी से नुकीली चीज से इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, आपको ये साइज जितना भी चौड़ा या कम चौड़ा करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की बॉल चेन, यहाँ पे स्टोन चेन लगा दी है। तो इस तरीके से ये देखिए, हमारा वन पेयर तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं दूसरा पेयर यहाँ पे तैयार करूंगी, और इसके बाद में ये देखिए, इस तरीके से इसमें यहाँ पर पीछे बैक में लगाना है। तो देखिए, हमने दोनों पेयर इस तरीके से बना लिए, जैसे मैंने बताया आपको, इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर लिया। आप इसी तरीके से बनाना जैसे मैंने आपको बताया। तो ये बीच में बॉल चेन और हमने ये स्टोन चेन, आप कलर अपनी चॉइस के अनुसार कर सकती हैं। तो इसी तरीके से, और साइज भी अपने ठाकुर जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जैसे कि आप इसको थ्री लेयर में करना है, या इसको रो में करना है, या फिर इसमें आप जिस तरीके से, या टू रो में करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जैसे आप ये गीला है, तो ये सूखने के बाद में इसमें पीछे मैंने ये आपको वायर दिखाई थी, ये देखिए ये वायर है, ये किस तरीके की वायर है मैं आपको बताऊंगी। जो फोम शीट की, हमारे फोम शीट हमने कट की है, उसकी ये वायर है। तो ये वायर हम इसके बैक में लगाएंगे, और इसको जब फोल्ड करने के लिए इजीली फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा सूख गया है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये मैंने आपको वायर दिखाई थी, वायर मैंने आपको बता दी है किस तरीके से है। तो इसी को हम इस तरीके के बैक में चिपकाएंगे, इस तरीके से ये उल्टा करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे चिपका देंगे इनको। ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर एक वायर रखेंगे, फिर दूसरी वायर रखेंगे, मैंने इसे दो दो वायर लगाई है इस तरीके से। और यहाँ पर इस कागज के ऊपर
हम इसको चिपका देंगे। इस तरीके से तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ये सूख गया है, एक हल्का सा सूख गया है और दूसरा हमने सूखने के लिए छोड़ दिया है। तो इस तरीके से हमारे होने के बाद इसको हम ऐसा नहीं छोड़ सकते, हमें क्या करना है, ये देखिए हमने ये वूल ली है। आप कोई भी कलर के ले सकते हैं, जैसे कि आप इसमें वूल कोई भी कलर लोगे तो सभी कलर इसमें अच्छे लगेंगे। तो इसको इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से जितनी हमारी बॉल चेन है इसके सभी के अंदर इस तरीके से रखेंगे और इसको पर यहाँ पर इस तरीके से हम करते चले जाएंगे। इसको यहाँ पर इसको पकड़ने के बाद वूल को पहले हमने फिनिशिंग अच्छे कटिंग कर ली, जैसे इसके एक्स्ट्रा इसमें कागज आपको नजर आ रहा है, इसको हम पेपर को कट कर देंगे। कट करने के बाद इस तरीके से हम इसको पूरा रैप कर देंगे। ये दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके से, ये देखिए कितना डिफरेंस है। हम पूरा कवर करने के बाद भी हमें इस तरीके से हमें करना पड़ेगा ताकि ये पूरा अच्छे से पैक हो जाए और ये बहुत मजबूत हो जाए। तो इस तरीके से इसके अंदर वायर भी मुड़ जाएंगे और हमने ये अरे पैक भी हो गया और ये डिजाइन भी बहुत सुंदर लगेगा। तो देखिए देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको पैक करने के बाद ये धागा हम यहाँ पर इस तरीके से एक नॉट यहाँ पर लगानी है स्टार्टिंग में और एक नॉट यहाँ पर लगानी है। इस तरीके नॉट लगाने के बाद हम इस धागे को कट कर देंगे। तो देखिए हमने यह दोनों पैर के ऊपर वूल लगा दी है। तो ये बारीक वूल है, मोटी वूल नहीं है। तो इसी के इसको हमने लगाने के बाद ये देखिए हल्का हल्का मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये मुड़ जाएंगे। अभी थोड़ा सा हल्का सा गीला है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती। तो ये देखिए इस तरीके से मुड़ जाएंगे, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारे इस तरीके से हमारे ठाकुर जी के कंगन तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये देखिए स्टार्टिंग में दिखाया था ये कंगन ये बहुत ही ईजिली इस तरीके से खुल और बंद हो सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से हमारे ठाकुर जी के कंगन तैयार हो गए। मैंने आपको बताया किस तरीके से हमने इनको तैयार किया, बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत ये ठाकुर जी के कंगन मैंने आपको बनाने बताए हैं। मैं आशा करती हूँ मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग राधे राधे।